नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई है और करीब यहाँ पे 27,200 के पास जाके क्लोज हुआ है। तो अब हम देखेंगे क्या बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन डाटा पे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन में और समझने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे हम बैंक निफ्टी के डाटा को और देखेंगे कि यहाँ पे डाटा में क्या चेंज हुआ है। तो जल्दी से लगा लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का डाटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 27,195 यहाँ पे क्लोजिंग आई है, करीब 27,200 के नीचे की क्लोजिंग है। तो देखते हैं यहाँ पे कि 27,200 पे क्या हो रहा है जो ये क्लोजिंग नीचे आई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले 27,000 की बात करूँ तो मैं 27,000 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,12,000 शेयर आज के दिन में ऐड हुए हैं और टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 7,13,000 का हो गया है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट के लिए काम कर भी रहा है अभी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 27,000 की जो यहाँ पे कल जो कॉल राइट हो रही थी वहाँ पे आज आप देख सकते हैं शॉर्ट कवरिंग आई है। यहाँ पे जिन्होंने कॉल राइट कर रखी थी उन्होंने अपना कवर कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद अगर बात करूँ मैं 27,200 की, तो 27,200 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,07,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। करीब करीब यहाँ पे देखा जाए तो एक ठीक ठाक सा ओपन इंटरेस्ट है, क्योंकि ये सीरीज की स्टार्टिंग है, आज पहला दिन है। बट इसके अल्टरनेट में अगर मैं देखूँ 27,200 की कॉल पर भी आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा 1,00,000 की यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घटा है। तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग आई है, लॉन्ग अच्छे बने हैं बैंक निफ्टी में बट शॉर्ट कवरिंग साथ साथ आ रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस सीरीज़ में भी अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे 27,500 पे ही सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यानी 27,500 ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी पे, और 27,000 यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सपोर्ट अगर 27,000 टूटता है तो अगला जो सपोर्ट होगा वो यहाँ पे 26,800 का ही दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो पुट में करीब करीब आप देख सकते हैं यहाँ पे 5,36,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड है। यानी अगर 27,000 टूटता है तो आपको 26,800 पे ही जाके सपोर्ट मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। ऊपर अगर 27,300 टूटता है तब जाके आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब करीब आप मान के चलिए कि आपको 27,450 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी सी बढ़ेगी और वो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर ले जा सकती है। बट इन केस कोई भी ऐसी पॉजिटिविटी आती है मार्केट में जिससे कि 27,500 अगर टूट जाता है इस सीरीज़ में, तो 27,500 टूटने का मतलब यह है कि आप सीधा सीधा 27,700 के तक के आप टारगेट देख सकते हैं। तो इस लेवल पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने नीचे सपोर्ट लिया है। निफ्टी काफ़ी अच्छा करेक्शन हो गया था निफ्टी में, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट निफ्टी 3 दिन में गिर गया था, बट बैंक निफ्टी नहीं गिरा था। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, और अगर ये स्ट्रेंथ का कोई भी फ़ायदा मिलता है और बैंक निफ्टी 27,500 निकाल लेता है तो आपको 27,700 तक के टारगेट आराम से मिल जाएंगे। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। फिर एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आएगा जो कि बैंक निफ्टी को 27,700-27,800 तक ले जा सकता है, बट ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कोई हमारे पास ट्रिगर नहीं है जो 27,500 को तोड़ दे। बट अगर कोई गैप अप ओपनिंग मिलती है और 27,500 के आसपास खुलता है तो आप एक शॉर्ट कॉल लेके काम कर सकते हैं 27,300 के टारगेट के लिए। तो ये है पूरा डाटा जो ये बता रहा है। बैंक निफ्टी की रेंज जो है इस सीरीज़ में वो भी 27,000 से लेके 27,500 की है। इसके बाहर जो भी एक्शन होगा वो बहुत बड़ा एक्शन होगा, और उसके लिए हमें या तो ऊपर की साइड अगर जाता है तो एक पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए मार्केट के लिए, और नीचे की जाता है तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ चाहिए। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 27,000 और 27,500 है। बाकी ये बीच के लेवल आपको दिन में करीब 3 से 4 बार दिख जाएंगे। कभी बैंक निफ्टी आपको 2,700 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, कभी आपको 27,200 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ये कोई लेवल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 27,000 और 27,500। तो इन दोनों लेवल पे आप बिल्कुल नज़र रखिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये डाटा समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।